25 अगस्त 1973 का दिन, उत्तरकाशी में तिलौत सेरे के पास हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के कुछ बुलडोजर गरजते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये बुलडोजर मनेरी भाली विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य करते हुए धान की लहलाती फसलों से पटे खेतों को साफ करने जा रहे थे। पकी हुई फसल को जबरदस्ती रौंदा जाने वाला था और काश्तकार इसका विरोध न कर सके इसके लिए पुलिस बल, कई कंपनी पीएससी और पूरा प्रशासनिक अमला वहां तैनात कर दिया गया था। अहम बात ये थी कि जिन किसानों की यहाँ ज़मीनें थीं उन्हें बिना मुआवजा दिए ही उनके खेत छीने जा रहे थे। स्थानीय किसान और महिलाएं बुलडोजर के आगे बेबस खड़े गिड़गिड़ा रहे थे। उनका विरोध कुचल दिया जाए इसके लिए पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। परगना मजिस्ट्रेट गंगाराम सड़क पर बाकायदा इसकी घोषणा कर रहे थे। पुलिस और पीएससी के हजारों जवानों ने काश्तकारों और स्थानीय लोगों को घेर लिया था। लोगों की हताशा बढ़ती जा रही थी कि तभी एक व्यक्ति वहां 150 आंदोलनकारियों के साथ नारेबाजी करते हुए मौके पर पहुंचा। इसके साथ ही लोगों की हताशा जैसे उम्मीद में बदल गई और प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन होने लगा। ये सब देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और निहत्ते लोगों के साथ ही महिलाओं पर जमकर लाठी भांजी। करीब आधा घंटे आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच खींचतान जारी रही। आंदोलनकारियों के साथ साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन जिला अधिकारी ने गोली चलाने के आदेश तक दे दिए थे, मगर पुलिस अधीक्षक गिरिराज शाह ने जोश में होश न खोकर जिला अधिकारी के आदेश के बावजूद गोलियां नहीं चलाई। कुछ देर बाद एडीएम मार्तोलिया पुलिस के साथ समझौता करने का प्रस्ताव लाए। लंबी बातचीत के बाद ये संघर्ष खत्म हुआ। जिस व्यक्ति के नेतृत्व में स्थानीय काश्तकार प्रदर्शन कर रहे थे उसकी पीठ अभी अभी हुए संघर्ष की गवाही दे रही थी। पुलिस की बर्बर लाठियों से उधर चुकी उसकी पीठ पर डंडों के 16 निशान उभर आए थे। उसके सिर से बहता खून बता रहा था कि अपना हक मांगने के लिए भी एक आम आदमी को क्या कीमत चुकानी होती है। 37 अन्य लोगों के साथ पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं हुआ था। स्थानीय लोगों की जो जमीन पहले 300 रुपये प्रति नाली की दर से हड़पी जा रही थी, इस संघर्ष के बाद प्रशासन को उसका मुआवजा बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति नाली करना पड़ा। प्रथम तिलोत कांड के नाम से चर्चित इस घटना का नेतृत्व वही व्यक्ति कर रहा था जो आगे चलकर लगातार 14 साल उत्तरकाशी में नगरपालिका अध्यक्ष रहा। उत्तराखंड में कम्युनिस्ट राजनीति के सबसे बड़े हस्ताक्षरों में शामिल इस व्यक्ति का नाम था कॉमरेड कमलाराम नौटियाल। नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं 12 मासा की विशेष सीरीज विरासत। कमलाराम नौटियाल का जन्म 5 जुलाई 1930 के उस दौर में हुआ था जब देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। जिस गांव में कमलाराम का जन्म हुआ था वो टिहरी रियासत के अधीन था। अपने जन्म के महज 10 साल के भीतर ही उन्होंने एक एक कर अपने पिता, ताऊ, दादा, दादी, नाना और नानी की मौत देखी। घर से उठती शव यात्रा और उनकी माँ के सूख चुके आंसुओं ने उन्हें बचपन में ही परिपक्व कर दिया था। उनके दोनों चाचा पैतृक गांव में रहते थे, लेकिन कुछ वक्त बाद कमलाराम अपने ननिहाल उत्तरकाशी में अपनी माँ के साथ रहने लगे। एक दौर था जब उनका परिवार समृद्ध थोकदारों का परिवार हुआ करता था। टिहरी राजशाही के दौर में उनके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को टिहरी नरेश की तरफ से थानेदारी अधिकार प्राप्त थे। उनके परिवार के अधिकतर सदस्य पटवारी के पद पर राजसेवा करते थे, लेकिन अब उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने लगी थी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनकी मां ने उन्हें जैसे तैसे कीर्ति पाठशाला उत्तरकाशी में 7वीं कक्षा तक शिक्षा दिलाई। ये स्कूल उस वक्त तक वर्नैक्युलर मिडिल स्कूल था। यहां से मिडिल परीक्षा पास करने के बाद वो देहरादून चले आए। इस वक्त उनके चाचा रामप्रसाद नौटियाल मालदेवता में मैसर्स रामप्रसाद ब्रजमोहन नौटियाल आरती के नाम से व्यापार करते थे। साल 1947 में उन्होंने अपने चाचा के साथ रहकर डीएवी हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। 1950 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा विज्ञान से उत्तीर्ण की। उन्हीं के बैच के दौरान डीएवी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल बन गया, जिसके बाद उन्होंने इसी स्कूल से 12वीं भी पास की। घर की हालत ठीक नहीं थी, लिहाजा करोलबाग दिल्ली के संत परमानंद ब्लाइंड रिलीफ मिशन ने देहरादून में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी। इसके पीछे भी एक कारण था, वो ये कि एक बार जब मिशन का नेत्र चिकित्सालय शिविर उत्तरकाशी में लगा था तो कमलाराम नौटियाल ने उस वक्त स्वेच्छा से मरीजों की सेवा की। उस समय उनके सेवा भाव को देखते हुए हरिकृष्ण अग्रवाल ने उनकी खूब प्रशंसा की और काम पड़ने पर याद करने को कहा। उनकी स्थिति का पता चलने पर हरिकृष्ण अग्रवाल इंटर की परीक्षा यानी 2 साल तक 15 रुपये मासिक छात्रवृत्ति कमलाराम को भेजते रहे। उनकी स्थिति के बारे में अब तक उनके स्कूल को भी पता चल चुका था,
लिहाजा विद्यालय प्रशासन ने उनकी पूरी फीस माफ़ कर दी। इस तरह साल 1952 में डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल देहरादून से कमलाराम नौटियाल ने 12वीं की परीक्षा पास की। कमलाराम अपनी जैसी स्थिति वाले अन्य छात्रों से खूब बातें करते थे और उनकी समस्याएं सुलझाने के हर संभव प्रयास करते थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर गढ़वाल छात्र संघ की भी स्थापना की। इसके माध्यम से गढ़वाली छात्र छात्राओं की समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की जाती थी। कुछ वक्त बाद कमलाराम पर्वतीय राज्य संघ नाम से एक संगठन में शामिल हो गए। उन्हें इसका कोषाध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उन्हें कम्युनिज्म को गहराई से जानने का मौका मिला। उन्होंने देश विदेश के चर्चित लेखक, उपन्यासकारों और क्रांतिकारी नेताओं की किताबें पढ़नी शुरू की। इन किताबों को पढ़कर उनके भीतर गहरी समझ बनने लगी थी कि आखिर क्या कारण है कि भौतिक संसाधनों में गरीब लोगों का हक मौजूदा वक्त की सरकारों के मार्फत नहीं मिल सकता। कमलाराम नौटियाल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मेरी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी। मनुष्य के कल्याण के लिए मेरी माँ अदृश्य ईश्वर से लेकर नरसिंह देवता के त्रिशूल तक पर विश्वास करती थी। समाज के अन्य धार्मिक महिलाओं की तरह मेरी माँ का भी विश्वास था कि अपने या अपने हमदर्द की बड़ी से बड़ी कठिनाई या संकट में स्थिति और बीमारी देवता के नाम पर संकल्प करने से दूर हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में मेरा मार्क्सवाद पर विश्वास करना सरल नहीं था, क्योंकि मेरी परवरिश ऐसे ही रूढ़िवादी परिवार में हुई थी। मगर आर्थिक और सामाजिक स्थिति के कारण धीरे धीरे मार्क्सवादी विचारों का असर मेरे मन मस्तिष्क पर चढ़ने लगा। 12वीं के बाद मैं कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रशंसक हो गया। बहरहाल मेरी माँ भी अस्वस्थ रहने लगी। मुझे संभावना के साथ कॉलेज में भर्ती होने का विचार छोड़ना पड़ा कि मैं प्राइवेट परीक्षा दूंगा या फिर आर्थिक दशा ठीक होने पर पुनः कॉलेज में प्रवेश लूंगा। देहरादून से अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद कमलाराम नौटियाल उत्तरकाशी लौट आए और अब वो उत्तरकाशी में रहकर ही सामाजिक कार्यों में जुट गए। कीर्ति हाई स्कूल में इस दौरान विज्ञान विषय के अध्यापक का अभाव हो गया। ऐसे में एक स्वयं सेवक के नाते 4 से 5 महीने तक कक्षा 8 से 10 तक के विद्यार्थियों को उन्होंने विज्ञान विषय पढ़ाया। साल 1952 में उन्होंने उत्तरकाशी भ्रष्टाचार निरोधक संघ की स्थापना की। इस वक्त नौटियाल मात्र 22 साल के थे। बाद में इसका नाम बदलकर आदर्श नागरिक संघ किया गया। समाज सेवा तो चल ही रही थी, मगर घर का गुजर बसर भी जरूरी था। ऐसे में उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कमल पोथीशाला के नाम से एक छोटी सी पुस्तकों एवं स्टेशनरी की दुकान खोल ली। उनकी आर्थिक हालत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नौटियाल कभी कभी स्टेशनरी और बच्चों के खिलौने बोरी में भरकर पीठ पर लाद कर ग्रामीण मेलों में फेरी की दुकान लगाकर जीवन यापन करने लगे थे। आदर्श नागरिक संघ के माध्यम से टिहरी जिले में पहली बार रामलीला समिति उत्तरकाशी का गठन हुआ। साल 1954 में पहली बार 10 दिन तक रामलीला का मंचन किया गया था। रामचरितमानस के अनेकों उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने उत्तरकाशी की जनता में प्रगतिशील और क्रांतिकारी विचारों के बीज बोने के प्रयास किए। कमलाराम नौटियाल की इस पहल के बाद से उत्तरकाशी के साथ साथ टिहरी जिले के गांवों में भी रामलीला का मंचन होने लगा था। वक्त के साथ साथ कमलाराम उत्तरकाशी में अनेक समाजसेवी संस्थाओं के साथ जुड़ते गए। इस वजह से प्राइवेट पढ़ाई जारी रख के आगे की शिक्षा हासिल कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपनी दुकान कमल पोथीशाला में अपने छोटे भाई को बैठा लिया और खुद 1955 में देहरादून जाकर डीएवी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष में एडमिशन ले लिया। साल 1959 में कमलाराम नौटियाल ने बीए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी कर ली। इस दौरान वो तमाम कम्युनिस्ट नेताओं के सानिध्य में थे। डीएवी में वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन यानी AISF के साथ जुड़ गए और कुछ वक्त बाद इसके अध्यक्ष भी बना दिए गए। वकालत की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद वो देहरादून में मई 1960 तक रहे और जून 1960 से उत्तरकाशी में वकालत करने लगे। ये वही साल था जब टिहरी से उत्तरकाशी को अलग कर दिया गया था और एक अलग ज़िला बना दिया गया था। उत्तरकाशी जब जिला बना तो जिला मुख्यालय के लिए उत्तरकाशी की जनता की उपजाऊ भूमि को तत्कालीन जिला प्रशासन अधिग्रहित कर रहा था। ऐसे में कमलाराम ने किसानों और स्थानीय लोगों को एकजुट कर उनकी बरसों पुरानी जमीनों पर कब्जा किए जाने का विरोध किया। उत्तरकाशी का यह आंदोलन बेहद अनोखा था। कुछ दिनों के संघर्ष के बाद अधिग्रहण रुका और जब मुख्यालय के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी तो 750 रुपये प्रति नाली के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया गया और अन्य सुविधाओं के आश्वासन भी दिए गए। तब जाकर किसानों ने अपनी जमीन छोड़ी। इसी जमीन पर आज का उत्तरकाशी जिला कार्यालय, लोक निर्माण विभाग कार्यालय और जिला चिकित्सालय मौजूद है। साल 1960-62 में इस क्षेत्र में पैमाइश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। जमीन संबंधी विवादों की भरमार होने लगी। कमलाराम नौटियाल को भी इनमें से कई विवादों को सुलझाने के मौके मिले। उनकी वकालत यहाँ काम आ रही थी। अब आता है वो वक्त जब कमलाराम नौटियाल पहली बार चुनाव लड़े। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने साल 1962 में आम चुनाव में उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उत्तरकाशी विधानसभा का उम्मीदवार बनाया था।
उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के ठाकुर कृष्ण सिंह और जनसंघ के धन्ना सेठ उम्मीदवार प्रेम सिंह पंवार थे। इस चुनाव में उन्हें जनसंघ के उम्मीदवार से करीब 200 से 300 वोट अधिक मिले। हालांकि चुनाव में कांग्रेस के ठाकुर कृष्ण सिंह विजय हुए, मगर इस चुनाव में कमलाराम उत्तरकाशी विधानसभा की जनता को समाजवादी विचारों से परिचित करवा चुके थे। तरह तरह के आंदोलनों में सक्रिय रहने के कारण स्थानीय प्रशासन भी उन्हें अच्छे से जानने पहचानने लगा था, लिहाजा उन्हें डराने धमकाने की मंशा लिए 5 अक्टूबर 1967 के दिन नजरबंदी कानून यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार कर टिहरी जेल भेज दिया गया। उन्हें अंग्रेजी में टाइप की हुई 9 पेज की एक चार्जशीट एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत थमा दी गई, जिसमें साल 1960 से 1967 तक किए गए कुछ आंदोलनों को अपराध के रूप में संक्षिप्त रूप से लिखा गया था। नजरबंदी कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके साथी चंदन सिंह राणा, धर्म सिंह चौहान और केवल सिंह पंवार को भी भटवाड़ी में फौजदारी कानून की धाराओं के अंतर्गत जेल भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही उत्तरकाशी जिले की गांजणा और कठूर पट्टी के हजारों लोग आक्रोशित हो उठे और ढोल दमाओं के साथ सड़कों पर निकल आए। बाड़ागड्डी और बाटाहाट से विशाल जुलूस निकले और जिला प्रशासन का विरोध करने 20 से 25 मील तक पैदल चलकर प्रदर्शनकारी उत्तरकाशी पहुंचे। जैसे जैसे आम लोगों को इसकी सूचना मिली कि उनके नेता कमलाराम नौटियाल को जेल भेज दिया गया है, लोग जुलूस में शामिल होते गए और सभी ने जिला कार्यालय को घेर लिया। इतने बड़े प्रदर्शन को देखकर जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। किसी बड़ी अनहोनी से बचने के लिए उत्तरकाशी जिला अधिकारी ने एक जीप उन्हें वापस लाने के लिए टिहरी जेल भेजी। उसी सरकारी जीप में जब कमलाराम नौटियाल उत्तरकाशी लौटे तो उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। अपनी आत्मकथा में कमलाराम लिखते हैं, फूल मालाओं से स्वागत के बाद मुझे एक जलसे के साथ हनुमान चौक पर लाया गया। ये जलसा यहाँ आकर आम सभा में बदल गया और जनता के इस प्यार को देखकर मैं गदगद हो गया। इस दौरान मेरे मन में ख्याल आया कि जनता का स्नेह का मूल्य कभी नहीं चुकाया जा सकता। अपने पास जो तुझ शरीर और आत्मिक एवं बौद्धिक शक्तियां हैं वो सभी जनसेवा के लिए है और उन्हें सीमित दायरे में ही सही अत्याचारों के खिलाफ लगा देना चाहिए। इस बारे में जनयुग और न्यू एज जैसे अखबारों में खूब लेख प्रकाशित हुए। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो उत्तरकाशी से 3 किलोमीटर आगे से भटवाड़ी ब्लॉक में कमलाराम नौटियाल के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। इस पर अपने तमाम कम्युनिस्ट साथियों के साथ उन्होंने सरकार की इस कार्यवाही का विरोध पर्चों और आम सभाओं के माध्यम से किया। साल 1967 में आम चुनाव में कमलाराम नौटियाल ने उत्तरकाशी विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ा। इस बार कांग्रेस के ठाकुर कृष्ण सिंह और जनसंघ के अतर सिंह नेगी के खिलाफ उनकी दावेदारी थी। इस चुनाव में उन्हें कुल 8,000 वोट मिले थे, जबकि जनसंघ के उम्मीदवार को सिर्फ 3,000। कांग्रेस के प्रत्याशी को करीब 13,000 वोट प्राप्त हुए थे। उस वक्त विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कमलाराम नौटियाल का 8,000 वोट प्राप्त करना एक संतोषजनक प्रदर्शन माना गया। साल 1969 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के मध्य अवधि चुनाव हुए। इनमें भाकपा द्वारा फिर से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया। इस बार उन्हें करीब 13,000 वोट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस के कृष्ण सिंह को 16,000 और जनसंघ के प्रत्याशी को मात्र 3,000। मतों से साफ झलक रहा था कि उत्तरकाशी की जनता के बीच कमलाराम नौटियाल हर बार और अधिक लोकप्रिय हो रहे थे। कमलाराम नौटियाल ने मंजलो सेरा बचाओ आंदोलन, 1970 का ऐतिहासिक भूमि हत्याओं आंदोलन, गढ़वाल विश्वविद्यालय बनाओ आंदोलन, महंगाई विरोधी आंदोलन और उत्तराखंड राज्य आंदोलन जैसे अनेकों छोटे बड़े जन आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिनमें से अधिकतर आंदोलनों का वो नेतृत्व कर रहे थे। नौटियाल जब उत्तरकाशी नगर की पालिका के अध्यक्ष थे तो उन्हें जुलाई 1973 में सोवियत रूस जाने का मौका मिला। दरअसल सोवियत रूस की सरकार के निमंत्रण पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से उन्हें सोवियत जाने का अवसर मिला। 21 दिनों तक वो सोवियत रूस में अनेकों प्रमुख नगरों और गाँवों में घूमे। वो उत्तर प्रदेश भाकपा का नेतृत्व कर रहे थे। नौटियाल अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे मास्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ताशकंद जैसे विकसित शहरों को देखने का मौका मिला। वहाँ के शिशु गृह, पार्क, स्विमिंग पूल, मीटिंग हॉल और थिएटर वैज्ञानिक ढंग से सुव्यवस्थित थे। यातायात व्यवस्था, विद्युत व सफाई व्यवस्था, सड़कों के किनारे व सड़कों के मध्य खूबसूरत पार्क, स्टेडियम, स्थायी सरकारी भवन, अजायब घर, मेट्रो रेल व्यवस्था, लेखक, कवि और साहित्यकारों के स्मारक आदि देखने का मौका मिला। इस विकसित देश की एक आश्चर्यजनक बात थी कि तब 40 वर्षों से वहाँ के मक्खन और डबल रोटी की कीमतों में कोई अंतर नहीं आया था। मेरी बार बार उत्तरकाशी को उससे भी बेहतर ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से बनाने की कल्पना रही। सोवियत रूस के नगरों, शहरों और ग्रामीण अंचलों में मुझे कहीं भी फुटपाथ पर कराहता हुआ बिना मकान का बेघर आदमी, बेरोजगार इंसान देखने को नहीं मिला। गरीबी, अशिक्षा का स्पष्ट रूप से सोवियत रूस उन्मूलन कर चुका था।
इस यात्रा के दौरान उन्हें रेडियो मास्को में इस राजनीतिक यात्रा के सोवियत संघ में अनुभव विषय पर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया गया। कमला राम नौटियाल का उत्तरकाशी नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए एक किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है। ये बात साल 1973 की है। उत्तरकाशी के बिरला हाउस से कुछ आगे एक सड़क के किनारे बिरला प्रबंधक 11 दुकानों का निर्माण करना चाह रहे थे। जहां पर दुकानें बननी थी वहां पर सालों से अपने छोटे खोके चलाकर घर परिवार का गुजर बसर करने वाले गरीब लोग रहते थे। दुकानों के निर्माण के लिए उन्हें वहां से हटाया जाने लगा था। इसके अलावा दुकानों के निर्माण से उस जगह का स्वरूप भी खतरे में था। अब इन दुकानों का जो नक्शा बना था उसे नगर पालिका अध्यक्ष ने पास नहीं किया। ऐसे में बिरला प्रबंधक ने अपने एक कर्मचारी को नगर पालिका अध्यक्ष कमला राम नौटियाल के घर भेजा। वो व्यक्ति अध्यक्ष साहब के घर पहुंचा और एक लिफाफा छोड़ गया। कमला राम नौटियाल ने लिफाफा खोला तो मालूम पड़ा कि उसमें 1100 रुपए थे। ये देखकर वो अचंभे में थे और उन्होंने सोचा कि शायद गलती से लिफाफा किसी से छूट गया है। कुछ ही घंटों बाद उत्तरकाशी के बिरला परिवार के पुरोहित नौटियाल के पास आए और कहा कि दुकान के 1100 रुपए मुनीम जी आपके पास छोड़ गए होंगे, 12,000 रुपए और मिलेंगे, बस नक्शा पास करवाने में बाधा पैदा न करें। ये सुनते ही अध्यक्ष कमलाराम नौटियाल तमतमा उठे। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाने के निर्देश दिए। मामला उल्टा पड़ता देख पुरोहित वहां से भाग गया। कमलाराम नौटियाल ने वो पैसे नगर पालिका कोष में जमा कर दिए। इसी दौरान नौटियाल गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। मौके की नजाकत को देखते हुए बिरला प्रबंधकों ने इस बीच अपनी 11 दुकानों की बुनियाद डाल दी और करीब 7 से 8 फुट तक चिनाई भी करवा दी। नौटियाल को जैसे ही इस बात का पता चला उन्होंने अपने कर्मचारियों को जरूरी आदेश दे दिए। निर्माण कार्य रोक दिया गया और जो कुछ काम हुआ था उसे तुड़वा दिया गया। अब इसके बाद बिरला प्रबंधकों ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। ऐसे में उन्होंने जिला अधिकारी उत्तरकाशी, कमिश्नर पौड़ी, जिला जज टिहरी, हाईकोर्ट इलाहाबाद और हाईकोर्ट दिल्ली में नगर पालिका उत्तरकाशी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। मगर सभी न्यायालयों में बिरला प्रबंधक को मुंह की खानी पड़ी। कमला राम नौटियाल 14 सालों तक उत्तरकाशी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। साल 1989 में भाकपा द्वारा उन्हें टिहरी संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में उतारा गया। इस चुनाव में नौटियाल को 86,000 मत प्राप्त हुए, जो कि उस वक्त बेहद अच्छा प्रदर्शन माना गया। साल 1991 में जब उत्तरकाशी शहर में भयानक भूकंप ने दस्तक दी तो गांव-गांव जाकर उन्होंने पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने के हर संभव प्रयास किए। इस दौरान उनके पैर में फीमर की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था, साथ ही पैर में स्टील की रॉड भी पड़ी हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने पीड़ितों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कमलाराम नौटियाल यूं तो अनेकों बार चुनावी मैदान में उतरे, कई सारे चुनाव वो हारे, कुछ चुनाव वो जीते। अधिक बार ऐसा हुआ कि जो चुनाव वो हारे उनमें अंतर कम ही रहा और हर बार उन्हें जनता का बेशुमार प्यार मिला। कमलाराम नौटियाल के जीवन के संघर्षों को देखते हुए साल 1998 में अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। नौटियाल के मित्र और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एबी वर्धन उनके संस्मरण में लिखते हैं, कमलाराम जहां एक तरफ वकालत करते थे, पार्टी का काम करते थे, वहीं दूसरी तरफ उनका प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति भी अगाध प्रेम था। इसी कारण कमलाराम नौटियाल एकमात्र ऐसे राजनेता थे जिन्होंने उत्तरकाशी में स्थित सभी ग्लेशियरों तक पैदल पहुंचकर सही जानकारी ही नहीं हासिल की बल्कि कई ग्लेशियरों की स्थिति को देश दुनिया के सामने सर्वप्रथम रखने का काम किया। कमलाराम नौटियाल वो नेता भी थे जिन्होंने तब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में दुनिया को चेता दिया था जब अधिकांश लोगों ने ये नाम तक नहीं सुना था। कमलाराम नौटियाल ट्रैकिंग के बेहद शौकीन थे। ऐसा माना जाता है कि कमलाराम एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो उत्तरकाशी के हर जिले, हर गांव, पहाड़ी और पट्टी तक पहुंचे थे। उनके मित्र डॉक्टर मित्रानंद बड़ोनी कहते हैं कि कमलाराम के संघर्षों के कारण ही उत्तरकाशी में भोटिया लोगों तक का क्षेत्र लाल घाटी के नाम से जाना जाता है। कमलाराम नौटियाल उत्तराखंड में जनसंघर्षों के असल नायक रहे। कठिन हालातों में भी नौटियाल ने हार नहीं मानी। समाज के लिए कुछ करने का जज्बा लिए नौटियाल हर वक्त तैयार रहते थे। जनसेवा को ही उन्होंने अपने जीवन का मकसद मान लिया था। उनका जीवन सफेद साफ कपड़े की तरह दाग रहित रहा और इसी कारण उनकी बातों में आत्मविश्वास भी झलकता था। कोई झूठ फरेब उनके चरित्र में नजर नहीं आता था। 24 अप्रैल 2004 को उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों का कहना था कि ये उनके सिर पर लगी किसी पुरानी चोट के कारण हुआ है। संभवतः ये वही चोट रही होगी जो उन्हें तिलोत कांड के दौरान पुलिस के सिर पर पड़े डंडे के कारण लगी थी। धीरे धीरे उन्हें स्पीच लॉस भी होने लगा। देहरादून में मौजूद CMI अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। करीब 8 साल बाद 26 दिसंबर 2012 को कमलाराम नौटियाल ने लगभग 82 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सुनते ही न केवल उत्तरकाशी बल्कि पूरे उत्तराखंड के तमाम लोग हाथों में लाल झंडे लिए लाल सलाम के नारों के साथ उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। उत्तराखंड के एक सच्चे जनपुरोधा के रूप में कमलाराम नौटियाल हमेशा याद किए जाएंगे।
इस कार्यक्रम की स्क्रिप्ट लिखी थी हमारे सहयोगी अमन रावत ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया है रोहित ने। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें 12 बजे।